क्या आपको पता है आपको हर समय जो चीज दिखता है असल में वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आपका ब्रेन आपके साथ खेलता है। क्या हर समय आप जो देखते हो वो सच में होता है? आज मैं आपके ब्रेन के साथ खेल के दिखाऊंगा, आपके आंखें फटी के फटे रह जाएगी। मैं आज आपके ब्रेन को बेवकूफ बना के दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। कोई सेंसेस बात इस तस्वीर को देखिए, आपको क्या दिख रहा है? बहुत सारे ऊंट यानी कैमल दिख रहा है ना? क्या ये ब्लैक कलर के जिसको आप कैमल समझ रहे हो वो असल में कैमल्स है? यही तो आपका ब्रेन आपके साथ खेल गया। असल में जिनको आप ऊंट समझ रहे हो वो असल में ऊंट की परछाई है। मैं अगर आपको ये तस्वीर जूम करके दिखाऊं तो आपको दिखेगा रियल ऊंट तो वो छोटा वाला है और काला वाला जो बड़ा वाला दिख रहा है आपको वो ऊंट की परछाई है। ये एक परफेक्ट फोटो है ब्रेन इल्यूशन क्रिएट करने के लिए। ये धोखा आपके ब्रेन ने आपको क्यों दिया? देखिए, हमारे ब्रेन का टेंडेंसी होता है चीजों को आई लेवल पे लाके देखने का, और आप लोगों ने जब भी कैमल को देखा है वो आई लेवल में ही देखा है। टीवी में देखे, मोबाइल में देखे, टैब में देखे, या कहीं भी देखे, या फिर फिजिकली भी ऊंट को अगर आप लोगों ने देखा हो तो किसी ने भी ऊपर से उड़ते उड़ते तो कभी कैमल को देखा नहीं होगा। आप लोगों ने हर समय कैमल को आई लेवल में ही देखा है, और मैक्सिमम चीज़ों को ही तो आप लोगों ने आई लेवल से ही देखा। सब कुछ को तो आप लोगों ने आई लेवल से ही देखा है। आप लोगों का ब्रेन इसको प्रोसेस करता है कि जैसे ये फोटोज आई लेवल में मेंटेन करने का कोशिश करता है आपका ब्रेन। यही कारण है कि आपके ब्रेन ने इन शेडो को रियल कैमल मान लिया। लेकिन थोड़ा जूम करते ही आपका ब्रेन इस चीज़ को रिक्रिएट कर लेता है और एक्चुअल इमेज क्रिएट करके आपके सामने पेश कर देता है, जिसको साइंटिस्ट के भाषा में बोले तो मेंटल रोटेशन। समझदार जानते हैं कि हर बार। अब इस इमेज को देखिए, यहाँ कितने डॉट बाहर के तरफ उठा हुआ है आप लोगों को लगता है? काउंट कर लीजिए। क्या आपको 4 डॉट बाहर की तरफ दिखा? अब मैं इस इमेज को 180 डिग्री रोटेट कर देता हूँ तो अब आपको कितने डॉट बनता हुआ दिख रहा है? क्या अब आपको 6 डॉट बनता हुआ दिख रहा है? तो ये कैसे हुआ? सेम इमेज को 180 डिग्री रोटेट करने से नंबर ऑफ बम्स इंक्रीज हो जाता है, ये कैसे हुआ? तो मैं बता दूं, ये भी आपका दिमाग का खेल है। मैंने यहाँ पर भी आपके दिमाग को घुमा दिया था, थोड़ा ट्रिक था ये। चलिए बताता हूँ कैसे हुआ। हजारों सालों से ह्यूमंस का एवोल्यूशन होता आ रहा है, और हम लोग भी अपने जन्म के बाद से ये देखते हुए आ रहे हैं कि सूरज जहाँ से उठता है और सनलाइट जहाँ से आता है, अगर वहाँ कोई ऑब्जेक्ट हम लोग रख दे तो उसके ऑपोजिट में शेडो क्रिएट हो जाता है। हमारे दिमाग को जब ये हल्का लाइट वाला पोर्शन दिखा इस सर्कल के ऊपर और डार्क शेडो दिखा इस सर्कल के नीचे, तो हमारे दिमाग को ये लगा ये डार्क शेडो लाइट ब्लॉक होने के वजह से क्रिएट हुआ है। तो अब दिमाग ने प्रोसेस किया कि ये सर्कल उठा हुआ है, वही डार्क शेडो ऊपर और लाइट नीचे। इस चीज़ को देख के दिमाग ने सोचा यहाँ लाइट नहीं हिट कर रहा है ऊपर के पोर्शन में, यानी डायरेक्ट लाइट नीचे आके टच कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यह सर्कल खोखला है। इसी तरह हमारे दिमाग ने यह प्रोसेस किया। हम जो इस दुनिया को 3D देख पाते हैं, सभी चीज़ों को 3D देख पाते हैं, उसका वजह है शेडो। अगर हम लोग एक दुनिया कल्पना करें जिसमें शेडो ही ना हो, तो वहाँ पर हम लोग किसी चीज़ को 3D नहीं देख पाएंगे। वहाँ पर हम लोगों को सब कुछ 2D दिखेगा, एकदम शेडोलेस अगर कुछ हो जाए तो। अगर आप मानते हो कि आपका दिमाग शार्प है तो इस सवाल का जवाब कमेंट में देते हुए जाना। तो ये है सवाल, ये आपके सामने होता है लेकिन आप उसे नहीं देख सकते हो, लेकिन वो सब समय ही आपका सामने होता है। दिमाग दोहराओ और आंसर दो कमेंट में। मिलता हूँ अगली वीडियो में।
दिल्ली वाले मुझसे पूछे दारू की जो 1+1 स्कीम आई थी ये दोबारा कब आएगी, मुझे नहीं पता है जी मुझसे मत।